1 अप्रैल को ईरान में हुए हमले के पीछे क्या इसराइल का हाथ है? ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई में भारत ने क्या कुछ कहा? दोनों देशों के बीच लड़ाई में कितने भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं? और इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों बोला। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक हमला हुआ था, जिसमें कई ईरानी मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। ईरान के मुताबिक ये हमला इसराइल ने किया था, वही इसराइल हमले से इनकार करता रहा। दोनों देश दशकों से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों का वो समर्थन करता है जो इसराइल पर हमला करते हैं। ईरान के हमले के बाद अमेरिका अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिक उतार रहा है और इसके अलावा इसराइल भी पलटवार कर सकता है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र और भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं होने वाला। भारत ने हमले पर चिंता भी जता दी है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। अब जान लीजिए कि भारत ने क्या कहा है। भारत ने रविवार को कहा कि इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर हम अत्यंत चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं, इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हम तनाव को तत्काल खत्म किए जाने के, संयम बरतने के, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का दोनों देशों से आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत इस हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। 22,000 भारतीय बताया जा रहा है कि इस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष की वजह से हजारों भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसराइल में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इसराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इसराइली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। दूतावास सभी नागरिकों से संपर्क में है और रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इसराइल में इस वक्त 18,000 भारतीय हैं, वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रह रहे हैं। ऐसे में इस संघर्ष की वजह से 22,000 भारतीय दोनों देशों में फंसे हुए हैं। इस हमले की वजह से दुनिया तीसरे युद्ध को लेकर भी डरी हुई है। रूस यूक्रेन का युद्ध पहले ही चल रहा है और इसके बाद इसराइल और हमास का संघर्ष भी शुरू हो गया। ऐसे में अगर एक और युद्ध शुरू होता है तो दुनिया पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की और बाइडेन ने बातचीत में कहा कि आज की रात इसराइल को जीत माननी चाहिए, क्योंकि वर्तमान अमेरिकी आकलन ये है कि ईरान का हमला काफी हद तक असफल रहा और इसराइल के डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।